जी साहब निगम। अच्छा, ये वो ड्रिल मशीन है, ठीक है। हम अपनी प्रोडक्ट की वीडियो इसी वजह से शो करते हैं कि बाज़ ऑनलाइन में लोग ट्रस्ट नहीं करते कि पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं। अक्सर लोग धोखाबाजी भी करते हैं ऑनलाइन में, तो लेने से पहले कस्टमर का काम बनता है अथेंटिक स्टोर से एक चीज़ परचेज़ करे और उसको चेक एंड बैलेंस रखे कि मैं जिस स्टोर से परचेज़ कर रहा हूँ आया उनकी कैसी है चीज़ क्या। तो हम अपनी प्रोडक्ट को शो ऑफ करने के लिए इसकी वीडियो लगा रहे हैं ताकि कस्टमर की पूरी तसल्ली रहे कि जो स्टोर है ये इनकी प्रॉपर प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, ये इसका बॉक्स है, ठीक है। ये इसके टूल्स वगैरह पिक्चर के साथ मैच करें 100%। हमारी जो भी प्रोडक्ट आपको हमारे स्टोर पे नज़र आएगी आपको रियल पिक्चर के साथ नज़र आएगी। हम कभी भी इंटरनेट इमेज यूज़ नहीं करते। ये इसकी स्क्रू ड्राइवर के मूड पे आपने जब ड्रिल को यूज़ करना हो तो इसकी बिट्स वगैरह हैं, हर तरह की हर टाइप की इसके अंदर बिट्स हैं, ठीक है। वो ये इसके वर्मे वगैरह आ गए, ठीक है, ड्रिल की बिटें जो होती हैं, ठीक है। ये इसकी बिटें आ गई हैं, ये दो ऊपर वाली जो बिटें हैं ये आपकी वुड के लिए हैं, ये नीचे वाली जो है आपकी मेटल के लिए है, इसके बाद ये आपकी कंक्रीट के लिए। जब भी आपने बिट यूज़ करनी होगी तो आप अपनी सरफेस के हिसाब से बिट को परफेक्ट चूज़ करेंगे। अगर आप गलत बिट को गलत सरफेस पे यूज़ करेंगे तो उसने ड्रिलिंग नहीं करनी, बिट की टिप ख़राब हो जाएगी। तो ये कस्टमर को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी बिट किस चीज़ के लिए, ठीक है। ये अगर आपको एक्स्ट्रा बिटें चाहिए तो वो भी आपको हमारे स्टोर से मिल जाएंगी। इसके साथ ये छोटे से वो भी होते हैं, बाकी उसके साथ ये इसका आ गया आप स्क्रू ड्राइवर का सेट है इसके साथ, ठीक है। फ्लैट्स स्क्वायर और हर तरह के, ये इसका वो होता है इसका कन्वर्टर रैचेट आ गया, ये इसके प्लायर वगैरह नोज प्लायर्स एल की सेट आ गया, कटर आ गया इसका, ठीक है। ये इसका यूज़र मैनुअल है इसके साथ, इसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई है, मेंटेनेंस वगैरह क्या तरीकाकार है इसका क्या। अच्छा, उसके बाद अगर हम फर्दर आगे बढ़ें तो ये इसका इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है, वोल्टेज वगैरह भी वोल्ट वगैरह सब कुछ बताता है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी को वो चेक करता है, ठीक है। ये आपका सा आ गई, पीवीसी टेप आ गई, हैमर आ गई, ये होल सा सेट होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे सेट हैं, हमने कंबाइन करके एक ही जगह में रखे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है ऐसे, इसके अंदर ये सारे सेट हैं, ये यहाँ से ला के आप ओपन करके अपने वुड के हिसाब से जितना आपने होल करना हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ ड्रिल मशीन है ये, जिस मर्ज़ी पर्पज़ में आप इसको यूज़ करें। 3 मीटर की इसमें ये होती है, मेजरिंग टेप होती है, हैमर आ गया, ये ड्रिल का हैंडल है, आप विद हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं ड्रिल को, विदाउट हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रिल की की है इसकी, चंक ओपन करने के लिए, लूज़ करने के लिए, ठीक है। ये इसके बाकी पार्ट्स वगैरह कुछ यहाँ भी इसके अंदर भी पड़े होते हैं, ये इसके अंदर नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। क्लम्प वगैरह, रावल प्लग वगैरह सब कुछ इसके साथ कंप्लीट, ए टू जेड कंप्लीट किट होती है। ये चीज़ें जब खत्म हो जाए तो मार्केट से दोबारा मिल भी जाती हैं, रावल प्लग वगैरह जो कितना वो नहीं है। ये इसकी डेप्थ गेज होती है, आपकी इस हैंडल पे लगाने के बाद डेप्थ गेज की आपने कितना डीप सुराख करना है वाल के अंदर, वुड के अंदर, जिस भी चीज़ में, तो उस फंक्शन के लिए। अब मैं आपको ड्रिल मशीन का मेन फंक्शन बता देता हूँ। चंक वगैरह ओपन करने के लिए, बंद करने के लिए ये होता है, इसका बैक साइड को आप घुमाते जाएंगे तो फ्रंट से चंक हो। बाद लोग हमें ये भी उसमें सवाल करते हैं कि यहाँ से ये बाहर कैसे आएगा, वो उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, पावर टूल फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये ठीक है, इससे आप इसके चंक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो बटन है, ये इस यूज़र मैनुअल पर सारी चीज़ें मैंने रीड किया था, इसके ऊपर हर चीज़ लिखी होती है, ये ऐसे हर चीज़ कंपनी ने इसको बताया हुआ है क्या चीज़ किस फंक्शन का क्या बटन है। अब बेहतर है यूज़र मैनुअल को फॉलो करें। अच्छा, उसके बाद अब आप ये देखें, ये इसका बटन होता है लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट करने के लिए और राइट करने के लिए दोनों साइडों पे। ये इसका स्पीड कंट्रोलर बटन होता है, आपने स्पीड कितनी रखनी है ड्रिल मशीन की, यहाँ से तेज़ रखनी है या क्या करना है। स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपने स्पीड इसकी कम रखनी होगी, अगर आप इसको ड्रिलिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आपको फास्ट स्पीड पर चलानी पड़ती है ड्रिल, ठीक है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच हो गया, और ये इसका लॉक स्विच होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पकड़ के ना रखूँ, कंटिन्यूस ड्रिल चले, ये करके इसको प्रेस और आप इस बटन को प्रेस कर दें तो वो लॉक हो जाता है, इसी को दोबारा प्रेस करने से अनलॉक हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट राइट का बटन आपको बता दिया, बाकी ये चीज़ें, ठीक है। टॉप पे आते हैं इसके, इसमें सिंपल ड्रिलिंग भी है, हैमर इंपैक्ट ड्रिलिंग, उसको हिल्टी ड्रिल भी कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ हैमरिंग कह रहे होते हैं, मिक्स नाम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों फंक्शन होते हैं। अगर आपने सिंपल ड्रिलिंग करनी होगी तो आप ये ड्रिल मशीन को उस साइड पर रखेंगे, यहाँ पे ये इसके साइन भी बने हुए, में हो सकता है कि मेरा कैमरा इस चीज़ को कैप्चर ना कर पा रहा हो, ये साइन बने होते हैं। ये सिंपल ड्रिलिंग के लिए होता है और ये इसका हैमर ड्रिलिंग के लिए होता है। हैमर ड्रिलिंग हम तब यूज़ करते हैं जब आपने कंक्रीट में या दीवारों पे सुराख करना होगा, ड्रिलिंग करनी होगी, तो आप तब इस चीज़ को हैमर मोड पे करेंगे। अगर आपने मार्बल पे करना है, मेटल पे करना है, लकड़ी पे करना है, तो आप इसको सिंपल ड्रिलिंग पे यूज़ करेंगे। ये चीज़ें कस्टमर को खुद पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट टूल बॉक्स को एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ सारा। ये इसका एक्सटेंशन कॉर्ड काफ़ी बड़ी और 100% पेयर कॉपर होती है। अच्छा, इसकी पावर स्पेसिफिकेशन मैंने वो दिखाई नहीं है आपको। 1000 वाट 3500 RPM, ठीक है। RPM तो इसके वेरिएबल होते हैं, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं वो स्क्रू ड्राइवर या ड्रिलिंग के मूड पे।
आप जिसको एक दफ़ा दोबारा से देख लें, 100% जो पिक्चर में वही चीज़ आपको डिलीवर होगी, 100% ये चीज़ है, 100% पे कॉपर में है, टॉप क्वालिटी ब्रांड है ये, आप इसको किसी भी लोकल ब्रांड से कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत हाई क्वालिटी है इस मशीन की।